अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर। सो फ्रेंड, आज के टॉपिक का वीडियो ये है कि हम अपने बेबी बर्ड की केयर कैसे करें। अगर हम बेबी पैरोट पंचेस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उनकी टेक केयर हमें किस तरह करनी है, मैं पूरी फुल टेक केयर कैसी करनी है वो आपको बता दूंगी इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो पे एंड तक जुड़े रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, स्किप मत करना ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी इस वीडियो से मिले। बहुत सारे लोग तो बेबी पैरोट लेने को तो ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है उसकी टेक केयर कैसी करनी है। इसकी वजह से उन पैरोट की डेथ होने के फुल चांसेस होते हैं। इसलिए पहले आप लेने के पहले ये पता करें कि उनकी टेक केयर हमें कैसी करनी है। तो कोई भी बर्ड हो, कोई भी पेट हो, उनकी जान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए कुछ भी लेने के पहले पूरी पहले जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद ही आप ले लें। और जब हम ले लेंगे बेबी बर्ड, तो उन्हें केज में, पिंजरे में कभी भी नहीं रखना है। उन्हें कार्टून में, बॉक्स में रखना है, जहां उन्हें गर्माइश मिले, जहाँ एयर पास ना हो, सिर्फ उन्हें सांस लेने तक की जगह रहना चाहिए, बाकी उन्हें पूरा गर्माइश में ही रखना है कि बिल्कुल भी ठंड ना लगे। क्योंकि आपको पता होता है कि पैरोट का ब्रीडिंग सीजन ठंड में ही होता है। पैरोट, बेबी पैरोट हमें ठंड में ही मिलते हैं, इसलिए उनकी ठंड में बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने पैरोट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो, जहाँ हवा नहीं आती होंगी। हवा पे या खुले पे अपने पैरोट को नहीं रखना है, गर्माइश में ही रखना है। अब हो गया उनके खाने का। उन्हें खाने में जो हैंड फीड फॉर्मूला आता है, बेबी फूड होता है, जो ऑनलाइन पे इजीली अवेलेबल होता है, और कुछ लोगों को शायद अफोर्ड नहीं कर पाते बेबी फूड, या फिर उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो बेबी सेरेलेक्स आता है, 6 मंथ बेबी सेरेलेक्स, आप वो भी उन्हें दे सकते हो। हल्का पतला सा करके उन्हें सिरिंज में या फिर उन्हें चम्मच से आप खिला सकते हो। तो ये दो फूड हो गए। थर्ड होगा आप उन्हें चना डाल या तो आप पानी में भिगो के या फिर उसे बॉयल करके भी आप दे सकते हो। ये तीन चीज़ों के अलावा आपको जब तक आपका पैरोट, बेबी पैरोट हैंड फीड पे है, जब तक आपको ये तीन ही चीज़ें देनी है। अपना दिमाग लगा के कुछ और चीज़ें उन्हें नहीं देनी जब तक वो सेल्फ फीड पर नहीं आ जाता। सेरेलेक्स हो या हैंड फीड फॉर्मूला हो, दोनों ही आपको गुनगुने पानी में घोल के उन्हें देना है। और आप उन्हें मल्टी विटामिन मेडिसिन भी दे सकते हो। बर्ड प्लस जो स्क्रीन पे शो रही होंगी, ये मल्टी विटामिन मेडिसिन है जो बर्ड्स के लिए अच्छी होती है। आपको उनके खाने में सिर्फ 3 ड्रॉप्स ऐड करके उन्हें देना है, दिन में एक बार, सिर्फ एक बार। आप दिन में जितने बार भी उन्हें फीड कराते हो, उतने टाइम नहीं, सिर्फ 1 टाइम उन्हें सिर्फ 3 ड्रॉप उनके खाने में मिक्स करके उन्हें देना है। ये मल्टी विटामिन है। और कोई भी चीज़ उन्हें गर्म नहीं देनी है, गुनगुनी देनी है, नॉर्मल देनी है। दूसरी बात ये है, आपको अपने पैरोट को बार बार, जब वो बेबी पैरोट होंगे, हाथ पे नहीं लेना है बार बार, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फैदर वगैरह आने में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको वो कार्टून में, वो बॉक्स में ही, गर्माइश में ही रखना है, बार बार उन्हें नहीं लेना है, सिवाय जब आप उनको फीड करा रहे हो। फीड कराते टाइम भी पैरोट को इधर उधर लग जाता है, जब उनको हम खिलाते हैं, उनके फेस पे, उनकी चोंच पे, साइड में, वो फीडिंग कराते टाइम लग जाता है। तो आपको हल्का गुनगुना पानी में कॉटन का सूती कपड़ा भिगो के हल्के से साफ करना है, ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं। अगर वो उन पे रह जाएगा, उनके फैदर पे, वो सूख जाएगा, फिर उनसे स्मेल आएंगे, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए उनको हल्के कपड़े से साफ करना है एवरी टाइम, जब जब आप उनको फीड कराए तब तब आपको उसे साफ करना है। और दूसरा, जब धूप में उन्हें रखना है, मॉर्निंग में या शाम के टाइम पे, आपको उन्हें हल्की धूप में रखना है, जब नॉर्मल वाली हल्की वाली धूप निकलती उस टाइम पे रखना है।
और 3 मंथ तक बेबी पैरोट को नहलाना नहीं है, शावर नहीं देना है। जब तक आपका बेबी पैरोट 3 मंथ का ना हो उससे बिल्कुल भी नहलाना नहीं है, उसे प्रॉब्लम हो जाएंगी। जब आपका बेबी पैरोट 3 मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप उसे नहलाइए, ये स्पेशली याद रखें। वैसे भी बड़े पैरोट हो एडल्ट हो फिर भी उनको ठंड में शावर कम टाइम ही देते हैं, दिन में नहीं 10 दिन में एक बार उन्हें शावर देना चाहिए, नहलाना चाहिए। और ये तो छोटे बेबी पैरोट है तो इनका टेक केयर हमें बिल्कुल अपने एक फैमिली मेंबर के जैसा करना चाहिए। लाइक वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन्हें इतना प्यार से लेके आए हो तो उनका पूरा फुल टेक केयर करना आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो करना है एक बिल्कुल फैमिली मेंबर के जैसे उनकी टेक केयर कीजिएगा। बिकॉज वो बहुत स्वीट होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, तो आप जितना उन्हें प्यार देंगे उतने वो आपसे अटैच हो जाएंगे। होप्सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, होप्सो आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पुट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जब तक के लिए जज़ाकअल्लाह एवरीवन।